हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रामेटिकल सेक्शन ऑफ योर स्टोरी। जो मैंने पहले स्टोरी पढ़ाया था और उसका क्वेश्चन आंसर भी करवाया था, आज उससे रिलेटेड ग्रामर हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो ग्रामर आज हम लोग क्लियर करते हैं। ये आपका ग्रामर सेक्शन है और क्लास फाइव के बच्चों के लिए है। क्लास फाइव में मैंने जो पढ़ाया था, आई थिंक द हॉट राइस प्लेट पढ़ाया था मैंने, उसी का है ये। तो आज देखते हैं कैसे क्या करना। मेनी वोकैबुलरी सेक्शन है ये। देखो ये क्या है ना, कंपाउंड वर्ड्स, दैट मीन्स आप इसको कंपाउंड नाउन्स भी कह सकते हो, ठीक ना। कंपाउंड नाउन का ये मतलब दो से अधिक नाउन, ठीक ना, वह एक से एक वर्ड में, ठीक ना, अगर दो से अधिक नाउन आ जाते हैं और उससे मिलकर जो वर्ड बनता है उसे कंपाउंड वर्ड कहेंगे या कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं। देखो, सच वर्ड्स विच आर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग टू वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स। दो वर्ड से जो मिलकर बनता है उसे हम लोग कंपाउंड वर्ड कहेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग क्या चीज से बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है ना, दो वर्ड से मिलकर बना है। जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, होल्ड मतलब पकड़ना, ठीक ना। तो स्ट्रॉन्ग प्लस होल्ड तब क्या बना, स्ट्रॉन्ग होल्ड, जिसका मीनिंग मैंने बताया था आपको, किला बताया था, ठीक। तो उसी तरह से ये है बैटल फील्ड, बैटल मतलब युद्ध, फील्ड मतलब क्षेत्र, ठीक ना, मतलब भूमि। तो युद्ध भूमि जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैटल फील्ड बोलेंगे। आइए देखते हैं बनाना क्या है इसमें, वो हम लोग देखते हैं। मैच द कॉलम्स टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। तो कंपाउंड वर्ड्स बनाने का, जैसे यहाँ देखो व्हाइट है ना, व्हाइट का मैचिंग किससे करोगे, वाज से करोगे, तो ये कंपाउंड वर्ड बन गया। अब जैसे देखो पास है, पास का मैचिंग किससे करोगे, तो पास का मैचिंग तुम लोग करोगे सर यहाँ पे होगा, देखिए बर्ड, पास बर्ड, जो अभी आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हो उसमें भी पासवर्ड लगाने का होगा, है कि नहीं। तो पास बर्ड ये होगा आपका कंपाउंड वर्ड हो गया। तो मैं ही सब नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बनाओगे। ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके उतारोगे, उसके बाद फिर बनाओगे। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बी में क्या है वो देख लेते हैं। बी का क्या है, मैच द वर्ड्स विद देयर डिस्क्रिप्शन, वन हैज बीन डन फॉर यू। देखो ये लेटर वर्ड है, इसका डिस्क्रिप्शन इस साइड में दिया हुआ है, दैट मींस आपका लेफ्ट साइड में इसका वर्ड है और राइट साइड में आपका डिस्क्रिप्शन दिया गया, मतलब इसका डिटेल में बताया गया। जैसे डिस्कशन क्या होता है, डिस्कशन मतलब होता है किसी भी चीज पर चर्चा करना, वाद विवाद करना, ठीक है, डिस्कशन करना, डिस्कस करना, डिस्कशन, डिस्कस से बना है डिस्कशन, डिस्कस हो गया आपका वर्ब, डिस्कशन हो गया नाउन, आईवन लग गया ना, तो नाउन हो गया। देखो इसका मीनिंग क्या निकलता है, आ कन्वर्सेशन और डिबेट अबाउट ए स्पेसिफिक टॉपिक, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है, बात विवाद या बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ये आपका वन मैचिंग किया हुआ है, आप बनाओगे इसे। एक और बता दूं, अच्छा एक और बता देता हूँ, जैसे आप ले लो ये थ्री ले लो, समन, समन मतलब होता है बुलावा भेजना, आप स्टोरी में भी आया हुआ ये वर्ड याद होगा आपको, समन मतलब बुलावा भेजना। तो क्या होना चाहिए आप बोलो, तो आप सोच रहे होगे सर ये होगा ऑर्डर बाय समन टू कम टू ए प्लेस, मतलब किसी को एक स्थान पे आने के लिए बुलावा भेजना। समन किस में जाएगा बाबू, इसमें जाएगा ऑर्डर वाला। आ जाओ ग्रामर में, ग्रामर में क्या दिया हुआ, नाउन के बारे में दिया है। तो नाउन तो आई थिंक आप लोग को पता होगा, मैंने पिछले लेक्चर में तो नहीं, आपको स्कूल में ही पढ़ाया था याद होगा आपको, फिफ्थ क्लास ना, हाँ सिक्स्थ, फिफ्थ में ना, फोर में, तो आप लोग पता होगा नाउन, नाउन के बारे में, लेकिन मैं बोल देता हूँ एक बार। ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया, मतलब किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। देखो दुनिया में कोई भी चीज का नाम वो क्या है आपका, नाउन है, ठीक। जो तुम मोबाइल यूज कर रहे हो वो भी क्या है तुम्हारा, नाउन है, ठीक। मुझे देख रहे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं भी क्या हूँ, नाउन, ठीक। या स्क्रीन देख रहे हो ये भी क्या है, नाउन है, ठीक है। जो कॉपी तुम पकड़े हुए हो वो भी क्या है आपका, नाउन है, ठीक। तो इसमें देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन है ना, लेकिन अभी आपको जनरली बताया गया आपको कॉमन प्रॉपर के बारे में बताया गया। नाउन कैन बी कॉमन, प्रॉपर, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। देखो अब नाउन को क्लासिफाई करने का बहुत तरीका है, मॉडर्न अप्रोच है और एक कन्वेंशनल अप्रोच है, तो उसे हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी जो दिया है वो हम लोग देख लेते हैं पहले। देखो कॉमन नाउन है जिसे किसी जाति का पता चले, ठीक। प्रॉपर नाउन किसी खास पर्टिकुलर स्थान, वस्तु या किसी नाम का पता चले। चलो देखते हैं हम लोग इसमें बनाना क्या है। जैसे देखो राइट दिस कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, इसमें कॉमन और प्रॉपर क्लासिफाई करना है, इससे चुनकर इसमें डालोगे। जैसे प्रॉपर, प्रॉपर में मैंने क्या बताया, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। जैसे यहाँ देखो एफिल टावर, एफिल टावर एक खास चीज का नाम है, तो यहाँ लिखोगे एफिल टावर, ठीक ना, ठीक। और माउंटेन, माउंटेन ले लो, तो माउंटेन किस में जाएगा, कॉमन में, मतलब पर्वत हो गया ना। और उसे देखो पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन नाम है, तो यहाँ आएगा प्रॉपर, ठीक ना। उस तरह से आपका कॉमन नाउन में क्या आ जाएगा, तो वो आप लोग खुद से भी बनाओगे, सारा मैं बता दूंगा, तो फिर आप लोग क्या बनाओगे। कार किस में आएगा, कार कॉमन में आएगा,
आ जाओ। अब आगे देखते हैं क्या कॉन्क्रीट नाउन को क्या होता है वो देखो पहले। कॉन्क्रीट नाउन जिसमें वो कॉन्क्रीट आप सुने हुए, जैसे जो आपका घर का जो सेलिंग बना हुआ है, जो आपका घर बना हुआ है उसमें किस चीज का यूज किया गया, तो कॉन्क्रीट का यूज किया है। कॉन्क्रीट का मीनिंग आप ऐसे ले सकते हो दैट कैन बी टच, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आ कंक्रीट नाउन रेफर्स टू समथिंग दैट कैन बी स्मेल्ड, सीन, हर्ड, टेस्टेड और टच, जिसे हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग कॉन्क्रीट नाउन कहेंगे। जैसे थ्रोन, प्लेट, जूस, नॉइज, ठीक। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट कांट बी टच्ड फील, जिसे हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं, वो हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, एंगर, हैप्पीनेस, फ्रीडम, ये सब डिटेल में बताऊंगा जब ग्रामर सेशन चलेगा तब। अभी किसमें करना क्या है वो समझो पहले। लुक एट दिस अंडरलाइन नाउन्स, राइट कॉन्क्रीट नाउन, ये कॉमन नाउन नहीं पढ़ोगे यहाँ पर, यहाँ पर पढ़ोगे जानते हो क्या, कॉन्क्रीट नाउन पढ़ोगे, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ये कॉन्क्रीट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर एन लिखोगे और वन हैज बीन डन फॉर, दैट मींस अगर आपको लगता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एन लिखोगे और कॉन्क्रीट नाउन है तो सी एन लिखोगे। जैसे एक एग्जांपल आपको दिया गया है, सम्राट वाज फिल्ड विद जॉय, तो जॉय क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जॉय को हम छू सकते हैं क्या, आपके अंदर खुशी है उसको हम छू सकते, छू के देख सकते हैं कि आप खुश हो, ये तो महसूस करने वाला चीज है ना, फील करने वाला, तो फील करने वाला क्या चाहिए किस में चला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट में, और इसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक ना, वो क्या हो जाएगा कॉन्क्रीट नाउन। जैसे कॉन्क्रीट का एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, इसे सेकंड ही ले लो, टेबल है, द टेबल वाज मेड ऑफ वुड, तो टेबल क्या चीज का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, तो टेबल, टेबल को हम टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो यहाँ सी एन लिखोगे, कॉन्क्रीट नाउन लिखोगे, समझे। जैसे विजडम है, विजडम मतलब क्या होता है, बुद्धिमता, तो विजडम क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक ना, तो ये आप खुद से भी बनाओगे, सारा मैं ही बता दूंगा, तो फिर आप लोग क्या बनाओगे, कॉलेक्टिव नाउन है, कॉलेक्टिव नाउन, ए आर्मी और ए आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए प्राइड ऑफ लायंस, दैट मींस कॉलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग, जो झुंड की, झुंड के बारे में बताए, किसी आदमी का, जानवर क्या, कोई भी चीज का झुंड बताए, उसे कॉलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक ना। तो कॉलेक्टिव नाउन देखो इसका कुछ बताया गया है, क्वेश्चंस बताए गए हैं, जैसे देखो ए स्वार्म ऑफ क्या लिखोगे, एंट्स, एरोज, बीज, डांसर्स, जजेस, जज या फिर सेलर, तो क्या लिखोगे, बीज, ठीक ना, यहाँ ए स्वार्म ऑफ बीज लिखोगे, मतलब बीज का झुंड को हम लोग क्या कहते हैं, स्वार्म कहते हैं। अब देखो यहाँ क्या, और एक एग्जाम्पल बताया हूँ, जैसे एक ट्रूप है, ठीक ना, एक ट्रूप ऑफ, तो क्या लिखोगे, डांसर, डांसर के ट्रूप को हम लोग, डांसर के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रूप, मतलब डांसर के मंडली को क्या कहते हैं, ट्रूप कहते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे डांसर लिखोगे, तो ये आपका है क्लू दिया गया है, इसे पुट करोगे इसमें, अब नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं आऊंगा ये आंसर लेके, तो आप ट्राई करो, क्योंकि ट्राई करने से ही सक्सेस मिलता है कि नहीं, तो आप ट्राई करो, बनाओ, कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करो, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। और क्या देख लेते हैं, हाँ पंक्चुएशन भी है, पंक्चुएशन देखो, पंक्चुएशन क्या होता है, पंक्चुएशन में जनरली हम लोग यूज करते हैं फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क का, पंक्चुएशन मतलब आप बोल सकते हो वैसा छोटा सा साइन जिससे यूज करने से सेंटेंस का कुछ मीनिंग अच्छा दिखने लगता है, मतलब सजाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए, क्योंकि पंक्चुएशन का यूज नहीं करेंगे तो मीनिंग गलत हो जाएगा सेंटेंस का। जैसे पंक्चुएशन में क्या हो गया ना, फुल स्टॉप हो गया, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, कॉमा हो गया, इंटरोगेटिव साइन हो गया, हाइफन, ठीक ना, डैश हो गया, ये सब पंक्चुएशन होता है। तो आइए देखते हैं पंक्चुएशन में क्या, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये सब सब पंक्चुएशन है। रीराइट विद करेक्ट पंक्चुएशन, इन शब्दों को लिखिए करेक्ट पंक्चुएशन के साथ, ठीक ना, ये गलत पंक्चुएशन यूज किया गया है इसमें, इसे पंक्चुएशन का यूज करके इसको सही कीजिए। दैट मीन्स एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, डू यू नो द स्टोरी ऑफ विक्रमादित्य'स राइज टू पावर, देखो यहाँ डू क्या है, जब स्टार्टिंग है तो डू क्या होना चाहिए, डू का डी क्या होना चाहिए, कैपिटल, तो डी यहाँ क्या करो, कैपिटल करोगे, पहला इसमें गलती है था। और जब ये इंट्रोगेटिव से शुरू हो रहा है, क्या पूछ रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हो स्टोरी ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का स्टोरी के बारे में, राइज टू पावर जो स्टोरी है उनका, उनके बारे में क्या आप जानते हो, क्या लग रहा है, क्या आप जानते हो, तो यहाँ क्या लगाओगे, इंट्रोगेटिव साइन लगाओगे, तब ये जाकर के सेंटेंस सही होगा। दैट मीन्स आपको डी का डी कैपिटल करना होगा और इंट्रोगेटिव साइन लगाओगे, तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही। और भी का भी जो ये भी है, ये भी कैपिटल करोगे, क्योंकि नाम है ना, विक्रमादित्य अर्ज क्या है, नाम है, तो भी क्या करोगे, कैपिटल करोगे, बाकी सब तो ठीक है, बाकी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जैसे एक और देख लो,
व्हाट अ जॉयस ओकेजन इट बाय, देखो ये एक्सक्लेमेशन साइन इसमें लगाओगे, व्हाट में डब्ल्यू क्या करो कैपिटल और यहाँ एक्सक्लेमेशन लगाओगे, देखो व्हाट अ ओकेजन, व्हाट अ जॉयस ओकेजन इट बाय, क्या अच्छा ओकेजन था, ठीक ना, मतलब मौज मस्ती करने वाला अवसर था, क्या एक्सक्लेमेशन लगाओगे, यहाँ डब्ल्यू कैपिटल कर दो, और क्या देख लेते हैं बाकी खुद से बनाओगे, बाकी खुद से बनाओगे तभी समझ में आएगा, तो इसको पॉज करके उतारोगे या बनाओगे, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आंसर के साथ, थैंक यू सो मच।